मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। एबी, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो। लूजर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बहन, चलो ठीक है, लेकिन पहले इसे पहनो। वाओ, बढ़िया टी शर्ट है, मैं बस अभी आई। भोली लड़की, चलो। मैं कैसी लग रही हूँ? गर्ल्स, नहीं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। रुको, वो कहाँ गए? वाओ, हेलो, कैटनैप क्राफ्टी स्माइलिंग क्रिटर्स, बधाई हो मैरी, अब तुम भी हम में से एक हो। तुम मुझे एडॉप्ट करना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। तुम इस पार्टी में जाना चाहती हो, है ना? हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। बढ़िया, पर ये सिर्फ 16 साल से ऊपर के टीन्स के लिए है। ओप्स, कोई बात नहीं। क्राफ्टी, तुम कुछ करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओह, बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वाओ, मैं बड़ी हो गई हूँ आखिरकार। उसके कपड़े ठीक नहीं है। सही कहा, ये बेहतर है, इसे पहनो। वाओ, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम पार्टी के लिए तैयार हो। एबी और उसकी बेस्टीज मुझसे बहुत जलेगी। कितनी शानदार पार्टी है। रुको, ये तो सरप्राइज सरप्राइज। ये कितने चौंक गए हैं। कैसे हो दोस्तों? मराओ, ये तो मैरी और स्माइलिंग क्रिटर्स है। समझ गए, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी पहली एडल्ट पार्टी बहुत मजेदार है। चलो डांस करते हैं। ओह, मैं जानती थी। कैटनैप, चलो, हमें एक जरूरी कॉल करनी है। उसे कॉल करो। हेलो बॉबी, सब तैयार है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ओकी डोकी, अब सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो जरूर कुछ करने वाले हैं। पार्टी शानदार है, चलो धूम मचाते हैं। माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। हे बर, इसे रोको, ये हमेशा करता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम अपने इलेक्ट्रिक प्रैंक्स कब बंद करोगे? ओप्स, ये हमारी नई फ्रेंड मैरी है। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे हाथ मिलाना पसंद नहीं है। स्मार्ट गर्ल, हमारे बारे में और जानना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। तो फिर हमारे घर चलो, चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं। याहो, पॉपी डांस फ्लोर का किंग है। बाय दोस्तों। ओप्स, क्या तुम हम पर जासूसी कर रहे हो? आई आई, आउच, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, बहुत जोरदार था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। हम सबसे पहले पहुंच गए, हम यहाँ पर रहते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। वो हमेशा भागता क्यों रहता है? खैर, वो हेयर है। हमारी नई फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। तो चलो प्रोमो देखें। हाँ, आराम से बैठ जाओ। क्या तुम तैयार हो? मजे से देखो, देखो शुरू हो रही है। मैं हॉपी हॉपस्कॉच हूँ, मुझे एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है। और मैं बॉबी बेयर हग हूँ। क्राफ्टी कौन? मेरे लिए क्रिएटिविटी ही सब कुछ है। कैटनैप आपकी सर्विस के लिए तैयार है, मैं किसी को भी सुला सकता हूँ। हम स्माइलिंग क्रिटर्स हैं। तुम कमाल के हो, अब मुझे तुम और पसंद हो। दोस्तों, आप किस फैमिली को चुनेंगे? स्माइलिंग क्रिटर्स या फिर मेरी ओल्ड सिस्टर एबी को? हे मैरी, क्या तुम ड्रॉ करना चाहोगी? मुझे ड्राइंग करना पसंद है। बढ़िया, तुम ड्रॉ करो, और हमें कुछ काम से जाना होगा, हम बस अभी आए। पता नहीं वो कहाँ गए, वो जरूर मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे होंगे। मैं जाकर देखती हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है। हमारा आइडिया शानदार है। बहुत ही जल्द हम भोली मैरी को पिकी पिग में बदल देंगे। क्या वो कैंडी बना रहे हैं? क्या? और फिर वो हमेशा के लिए स्माइलिंग क्रिटर्स के साथ रहेगी। बेवकूफ लड़की। चलो शुरू करते हैं। क्या? पर मैं पिगी नहीं बनना चाहती हूँ। बर, मुझे क्या करना चाहिए? चलो भी क्रिटर्स, अब हमारे काम को खत्म करने का वक्त है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ये रहा डोर, ये लॉक है, ये क्या है? ये एक क्लू हो सकता है।
मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सोचो मैरी सोचो। हाँ ये रहा, मुझे चाबी मिल गई। चलो अब भागे, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ये खुल नहीं रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे डोर को खोलने के लिए आपके लाइक्स की जरूरत है। हाँ बस थोड़े और, बस हो गया। हाँ इतने काफी होने चाहिए, शुक्रिया दोस्तों। खैर ये खुल गया। क्या है, असल में मैं यहाँ पर बिजी हूँ, माफ करना। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, दफा हो जाओ। उप्स, उप्स, गलत डोर। मैरी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम खाना ऑर्डर करना चाहोगी? तुम्हें जो अच्छा लगे चुन लो। मुझे पता नहीं है। ओह मुझे भूख लगी है, चलो पिज्जा मंगवाए। ठीक है समझ गई। उप्स, मैं सही जगह आया हूँ। हाँ बिल्कुल। ग्रीटिंग्स, आपका पिज्जा, इसे वहाँ ले जाओ। ठीक है समझ गया, इसे स्माइलिंग के लिए अच्छी टिप मिलेगी। हाय आपका पिज्जा, मेरी मदद करो प्लीज। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, बस अभी चुप रहो। गुड लक। तुम्हारी टिप किड, शुक्रिया। हे हमारी मैरी क्या कर रही है, तुम्हें पिज्जा कैसा लगा? हे मैरी कहाँ है, क्या ना? फ्यू क्या तुम चिल्लाई, लड़की भाग गई है। पकड़ो उसे, पकड़ लिया। ना दोबारा यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। मेरी मदद करो। आउच, सच में ये मजाक कर रही है ना? बचाओ, तुम कहाँ जाने का सोच रही हो? तुम यहीं रहोगी, वापस आओ। कंफ्यूजन के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अब इसे संभालते हैं। ओह तुम समझी नहीं, तुम्हें पिक बनकर अच्छा लगेगा। सबसे जरूरी बात है हगी वगी के जैसा नहीं बनना है। क्या हमारे जैसा नहीं बनना चाहते थे? ये लो क्रेटर, जल्द ही तुम भी हम में से एक होगी। मैं नहीं होंगी, हमें गन को पूरा करना होगा। पंच बैग को छोड़ दो और तुम यही रुको। मैं समझ गई, हगी मुझे बचाएगा, पर एक प्रॉब्लम है। कितनी अच्छी खुशबू है, मेरे पास एक आइडिया है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरी टमी खुश, मतलब मैं खुश। ठीक है चलो ध्यान से करें। ओह मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसने की? हगी वगी हाय बचाओ प्लीज। क्या तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे फ्लफी? ओह अब तुम नहीं बचोगी, खुद को बचाओ। दरअसल मैं एक बॉक्सर हूँ। हाँ मॉमी, ओह नहीं अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, भागने के बारे में भूल जाओ, मुझे लड़की की मदद करनी होगी। ओप्स हे अब कोई चालाकी नहीं, बुरा हुआ। गंदे क्रिटर्स, कितने बुरे क्रीचर्स हैं, पर बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। लगता है मैं समझ गई, ये काम करेगा। इसमें क्राफ्ट और चालाकी की जरूरत है और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। चलो कपड़े बदले। क्या कान है, आखिरी चीज, मैं तैयार हूँ। यम यम यम। क्या तुम मुझे डोर की चाबियां दे सकती हो? ये लो कैटनैप। हुर्रे चलो यहाँ से चले। तुम कहाँ जा रही हो, इस घुसपैठिए को देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे मैं भाग रही हूँ। बाल बाल बचा, माफ करना मैरी मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, काश मैं तुम्हें ढूंढ पाती। अभी वहाँ कौन है? मैं हूँ, हाय हगी वगी। मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है। सच में तुम्हारी बहन पॉपी प्ले टाइम स्ट्रीट 3 में है। मुझे पता है कैटनैप को कैसे हराना है। हगी शुक्रिया। मैरी रुको, लाइफ अच्छी है। क्राफ्टी तुम्हें ये मेरे जैसी लगती है, इस खाने को फेंक दो, ये तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं।
तुमने सही कहा, हमारा प्लान ज्यादा जरूरी है। जाओ और तुम फिर से कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। हमारा काम पूरा हुआ, बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। ऐसा मत करो, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। रुको, जहाँ हो वहीं रुको। मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तुमने हमें कैसे ढूंढा? दिलचस्प है, ये क्या है? सुंदर है, रार, म्राव, आह, डरावना है, कैटनैप और हॉपी हार्गर, मैरी, ईव, गंदा है, बहन, चलो घर चले, हाँ, जल्दी। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, हाय, बॉबी, लड़की कहाँ है? क्या हुआ? ओह, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, वो और उसकी बहन भाग गए। जल्दी से, हमें उन्हें पकड़ना होगा। खैर, पिज्जा मजेदार था, मैं और भी ऑर्डर करूंगी। लंच के लिए टेस्टी पिज्जा के अलावा मुझे कुछ भी और खुश नहीं कर सकता है। वाओ, वो क्या था? थोड़ा अजीब है। रुको, तुम गंदी हॉर्स। ओ, 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 मैं फिर से छोटी हो गई। अब हम घर जा सकते हैं। हाँ चलो। हाँ, उन्होंने कर दिखाया। कैसा दिन है? मैरी कहाँ है? वो कहाँ गए? उस तरफ। वाओ, स्माइलिंग क्रिटर्स, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो। हाँ, अपनी गन को तैयार रखो फ्रेंड्स। मैं तुम लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। हेलो, हमें भी तुम बहुत पसंद आए। तुम्हारी नई फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। अरे, क्या तुम मुझे अडॉप्ट करना चाहते हो? कर लिया, चलो घर चलें। हम आ गए, वो हम पहले पहुंच गए। हॉपी, तुम बहुत तेज हो, इतनी जल्दी। मेरे पास ऐसे भागने के लिए नहीं बने हैं। खैर, ये हमारा घर है। वाओ, यहाँ बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और ये सारे क्रिटर स्टाइल में है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, इन्होंने एम्बर को किडनैप किया है और अब उसे सजावटी चीजों से लालच दे रहे हैं। एम्बर, ये तुम्हारे नए कपड़े हैं। देखो, वाओ, ये मेरा पसंदीदा कलर है। मैं इसे पहनकर देखती हूँ, वो बहुत अच्छी है। और लगता है उनकी चाल काम कर गई है। तुम मुझसे प्यार किया करती थी और अब तुम्हें नए दोस्त मिल गए हैं। पहन लिया तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सूट अच्छे से फिट हो गया। ये बहुत आरामदायक और मुलायम है। क्या मैं इसे हमेशा पहन सकती हूँ? तुम जो चाहो कर सकती हो। काउच में भी कूद सकती हूँ। हॉपी, क्या ये ऐसा कर सकती है? बिल्कुल, उछल कूद के बिना जिंदगी भी क्या जिंदगी। शानदार, तुम बहुत मजेदार हो। शायद उसे उनके साथ ज्यादा मजा आ रहा है। वो, हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। एम्बर, क्या तुम हमारे बारे में और जानना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल जानना चाहूंगी। फिर आराम से बैठो और ध्यान से देखो। ये हमारी ब्रांडेड वीडियो प्रेजेंटेशन है। इसे रिकॉर्ड करने में हमने बहुत मेहनत की है। ओह, ये बहुत मजेदार है। देखो, शुरू हो रही है। मैं हॉपी हॉपस्कॉच हूँ, मुझे एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है। और मैं बॉबी बेयर हग हूँ, क्राफ्टी कॉन, मेरे लिए क्रिएटिविटी ही सब कुछ है। कैटना आपकी सेवा में हाजिर है। मैं किसी को भी शांत करा सकता हूँ। हम स्माइलिंग क्रिटर्स है। खत्म हो गया। अब तुम हमारी एबिलिटीज के बारे में और जान गई हो। वाओ, तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से परिवार को चुनना चाहेंगे, स्माइलिंग क्रिटर्स या हगी वगी। और किसी में सी एम्बर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या तुम्हें ड्रॉ करना अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। मैं हम सबको एक साथ ड्रॉ करूंगी। तुम बहुत होशियार हो, हमें जाना होगा। हाँ, चलो कुछ खाने के लिए लेकर आए। एम्बर के खाने का समय हो गया है। वो कमाल है, सही कहा, वो हमारे लिए परफेक्ट है। तो फिर बर्गर्स लो और चलो। क्या खुशबू है, क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी होगा? बस एक बाइट और वो रुक नहीं पाएगी जब तक कि वो पिकी पिगी में नहीं बदल जाती और फिर वो हमारी तरह बन जाएगी और वो दोबारा कभी घर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल। ओह नहीं, मुझे उनका बुरा प्लान रोकना होगा और एम्बर को बचाना होगा। अब बस इसे गर्म करना है। हाँ, ठंडे स्नैक्स बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जल्द ही हमें एक और क्रिटर मिल जाएगी। ऐसी पेंसिल से मैं हमेशा ड्रॉ कर सकती हूँ। ये शोर कैसा है क्रिटर्स? क्या तुम हो एम्बर? यहाँ आओ,
क्या कोई मुझे बुला रहा है? शायद ये ड्राफ्ट है, थोड़ा अजीब है। एम्बर, हाय। हगी, क्या हुआ? हश, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्या, तुम क्या बोल रहे हो? क्रिटर्स कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। चलो भी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अंदर आओ। ओह, मेरा सर। ओह, आउच। तुम ठीक हो? अब उठो और मुझे सब बताओ। देखो, ये उनका प्लान है। प्लान? या फिर तुम बस बातें बना रहे हो? खुद ही देख लो, वो तुम्हें पिगी पिगी बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं पिगी नहीं बनना चाहती। बढ़िया, तुम्हें पता चल गया। स्मार्टी पैंट्स, उसे छूना मत, वरना तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। ओह, मैं तो डर गया। पर अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारा चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। कैसा चैलेंज? ओह, दिलचस्प है। मुझे चैलेंजेस पसंद है, वो मजेदार होते हैं। तुम उन्हें मौका दे ही क्यों रही हो? शांति, वो कभी नहीं जीतेंगे। चैलेंज चुनो और आजाद हो जाओ, वरना उसे ये खाना पड़ेगा। मैं पिकी पिगी नहीं बनना चाहती। नहीं अर्ग, हागी, हमें एक्सेप्ट करना होगा। चलो चैलेंज को पूरा करके यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, चलो शो शुरू करते हैं। पहला टास्क है डांस बैटल। बढ़िया बॉबी, तुम बहुत चलाक हो, लेकिन मुझे अच्छे से डांस करना नहीं आता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम पहले जाएंगे। हमारा डांस बहुत टैलेंटेड है। क्राफ्टी, हाय, मैं डांस में माहिर हूँ, तुम मेरी तरह कभी डांस नहीं कर पाओगे। खैर, दूसरी डांसर हूँ मैं। नहीं मैं, और तुम तो गई। नहीं, हमारे पास एक मौका है। मुझे नहीं लगता, क्राफ्टी और मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। चलो भी लड़कियों, इन दोनों को दिखाओ कि कौन सबसे अच्छा डांसर है। ये मुश्किल नहीं होगा, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाय फाय दोस्त, ये हम एम्बर को पिगी में बदल देंगे हगी वगी के साथ। नहीं, ऐसा मत करो। अब अच्छा हो या बुरा, उन्हें हारते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो जाओ और शर्माओ मत। हगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है एम्बर, मुझे भी। खैर, चलो शुरू करते हैं। ये किस तरह का म्यूजिक है? इस पर डांस करना बहुत मुश्किल है, शायद कूदना बेहतर होगा। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। हगी, मेरे जैसा करने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे भी काम नहीं बनेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? आउच, मेरी कमर में लग गई। बेचारा हगी, तुम इसी लायक थे। हगी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो एम्बर, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। उदास मत हो, टास्क ही बेकार था, हम अगली बार जीत जाएंगे। अगला स्टेप फूड चैलेंज है। तुम्हें इन सुंदर केक में से कोई एक खाना होगा, जो पहले खाएगा वो ही जीतेगा। हमारी ओर से हॉपी हॉपस्कॉच आ रहा है, मैं उन सबको जल्दी ही ग्रीटिंग्स भेजूंगा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जरा स्पीड को देखो, सिर्फ हवा ही मुझसे तेज हो सकती है, हालांकि मुझे इस बारे में पता नहीं है। चक्कर आ रहे हैं, एक्टिविटी चार्ज फुल है, मैं तैयार हूँ। केक, मैं आ रहा हूँ। हम में से ये कौन करने वाला है? तुम जाओ, तुम्हारा मुँह बड़ा है। नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खा सकता, केक तुम्हारा है। ठीक है, बैठो पिगी एम्बर। जरा देखो इन डेजर्ट को, कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना? मुझे पूरा केक खाना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। 3, 2, 1, शुरू करो। चैलेंज नहीं, बल्कि एक स्वीट टूथ ड्रीम है। एम्बर कभी मुझसे आगे नहीं निकलेगी। समय तेजी से बीत रहा है, मुझे बस अब अपने दांतों पर भरोसा है। वाओ, हॉपी सच में बहुत तेज है। जाहिर है एम्बर अपने फुर्तीले कॉम्पिटिटर को नहीं हरा सकती है। क्या? नहीं, मुझे जीतना होगा, मुझे लड़की ही बने रहना है। कोई भी स्माइलिंग ग्रीन हेयर मुझसे नहीं जीत पाएगा। वाओ, एम्बर हॉपी की बराबरी पर आ गई है, जीत के बहुत पास है। चलो भी एम्बर, तुम कर सकती हो। आखिरी टुकड़ा, हाँ मैंने कर दिखाया, मैं जीत गई। बेवकूफ हॉपी, बहुत खूब एम्बर, हमने ये लेवल जीत लिया है। हम में से सबसे शांत कैटनैप आखिरी राउंड में जाएगा। मैं, आखिरकार मेरा गोल्डन समय आ गया है। तुम जाओ। नहीं हागी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है ठीक है, तुम सही हो। तो ये है एस्केप चैलेंज। ओह हे भगवान, तो अब हम क्या करें? तुम चेन से बंधे हो, तुम्हारा काम होगा खुद को छुड़ाना। मेरी कैट की फ्लेक्सिबिलिटी मेरी मदद करेगी। मेरी मदद कौन करेगा? चलो खेल शुरू करते हैं, हमें किसी तरह से ताला खोलना होगा। ओह, ये रही चाबी, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? क्यों ना थोड़ा समय लिया जाए।
मैं फिर से एम्बर को निराश नहीं कर सकता। थोड़ा और हगी जरूर थक जाएगा और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। सही कहा ना हगी? शाबाश कैटनैप, और अब जैसा कि तय हुआ था पखरवे से। हाँ ये क्या था? अभी तक प्लान अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें एक टूल ढूंढना होगा, तो चलो देखें हमें इसमें क्या मिलता है। क्या बेकार चीज है। शू हे, दरअसल ये सही नहीं है। तुमसे किसी ने नहीं पूछा ब्लू हेड? ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ। और क्या है यहाँ? बॉबी को केन की जॉ की क्या जरूरत है? गंदा। पॉपेट कितना आरामदायक और अच्छा है। ठीक है कैटनैप आगे बढ़ो। ओह आखिरकार कुछ काम का मिला, फाइल काम आएगी। और हॉप, ओप्स मुझसे छूट गया। नहीं नहीं बढ़िया फेंका कैटनैप। ये तो बहुत जल्दी और आसानी से हो गया। बैड लक, इसे कर्मा कहते हैं। फ्लफी तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। हो गया मैं आजाद हूँ। जाओ थोड़ा दूध पी कर आओ स्लीपी हेड। और कैटनैप खुद को फ्लेक्सिबल कहता है। बेवकूफ कैट कहीं का। हागी तुमने बहुत बढ़िया किया, हम जीत गए, हम आजाद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम सेफ हो। अब चलो घर चले। हाँ चलो। वो हमारी पिगी बनने वाली थी। एक बेकार दिन के बाद तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत है। क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ बिल्कुल, चलो तुम्हें ढक दूँ। एक बार की बात है, कुछ स्माइलिंग क्रिटर्स थे। एम्बर बेटा उठ जाओ, नाश्ता करने का समय हो गया है, और फिर अपने नेबर्स के साथ मजे करो। ठीक है मम्मी, मैंने पैनकेक्स और स्मूदीज बनाई है, उठने का समय हो गया है, एडम्स इंतजार कर रहे हैं। बार्बी और वेंसडे का परिवार एक ही घर में शिफ्ट हुए। हेलो, अब ये दोनों नेबर्स हैं जिनके एक ही बैकयार्ड है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हाय फाय बार्बी। जरूर कैन, इस पिंक कैंडी की मजबूती चेक करो। वेंसडे डॉटर एक्साइटेड है, अब उसके पास एक टेस्ट रैबिट है। वापस स्क्रिप्ट में चले मेरी जान। हम यहाँ पे फ्लावर बेड बनाने वाले हैं। हमें अपने यार्ड को सजाना होगा, ये काफी रूखा सूखा है। और पानी, एक लाइक दीजिए और फिर फ्लावर और तेजी से उगेगा। वाह मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी खुशियाँ छीन लूंगी। नेबर मेरे छोटे से कॉफिन में ये प्लांट खुश रहेगा। आराम करो, मैं तुम्हें और गहराई में दफना दूंगी। शैतानी करना मुझे बहुत पसंद है। क्या? ओहो शानदार काम हो गया। अब स्नैक्स का समय है। मेरी पसंदीदा कैंडीज। रुको खाना मत, इतने गंदे हाथ हो जाते हैं। बार्बी को इतना गंदा नहीं होना चाहिए। ओप्स क्या इसका कोई इलाज है? जरूर, सोप जर्म्स के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार। काफी बोरिंग है, कुछ सोचना होगा। मैजिक टैबलेट, इस अपने हाथ में पकड़ो। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। पानी इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। टैबलेट नैपकिन में बदल गया, ये है ना लाइफ हैक। ओह कुछ भी, मेरे हाथ अच्छी तरह से साफ हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कितना आसान था। मुझे मिट्टी पसंद है। नहीं मुझे अपने हाथ नहीं धोने। रुको लगता है मैं समझ गई। हागी वागी मैं चली लैब में। और अब सबसे दिलचस्प पार्ट, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट सोप बेस, थोड़ी डाई ड्रॉप्स। ये जरूरी है कि सारी चीजें अच्छे से मिलाएं। कोकोनट ऑयल 3 ड्रॉप्स, वाइल्ड बेरीज की सेंट, हगी वगी की शेप में एक सिलिकॉन मोल्ड। अपने हाथों से अपने पसंदीदा कैरेक्टर की शेप का सोप बनाने से दिलचस्प और ज्यादा क्या हो सकता है। अब हमें सोप के सख्त होने का इंतजार करना है। ये मॉन्स्टर कितना क्यूट है। और एक आखिरी चीज, चलो इसका चेहरा और पॉ बनाएं। एक टॉय सोप 2-in-1, कोई भी छोटी बच्ची इसे देखकर खुश हो जाएगी। चलो वाटर प्रोसीजर शुरू करें। डार्लिंग ये गिफ्ट रखो तुम्हारे लिए, कितना कूल हगी वगी है। मैं रोज अपने हाथ इससे धोऊंगी। मेरे हाथ में पानी डालना, मेरे रेसिपी से बना हुआ सोप तुम्हारे हाथों के सारे बैक्टीरिया मार देगा। हाँ ये हुई ना कुछ बात। अगर वेंसडे जैसी मॉम हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसे एक लाइक मिलना चाहिए। प्यारे पड़ोसी के लिए ट्रीट्स, चॉकलेट केक। मुझे मोटा नहीं होना। अब गर्ल्स के हाथ साफ हैं और कोई भी जर्म्स उनके मुंह में नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बाइट, इतनी टेस्टी चॉकलेट मुंह में आते ही मेल्ट हो जाएगी। ले लो हनी, शर्माओ मत, मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे और चाहिए प्लीज प्लीज। ये कितना टेस्टी है।
ओप्स, इन दांतों को सफाई चाहिए। अभी क्या भी? तुम्हारा टूथपेस्ट डार्लिंग, बोरिंग ट्यूब, नहीं मुझे भी नहीं पसंद। इसके लिए एक लाइफ हैक है, बार्बी पेस्ट। ये कैसा है? ये कितना सुंदर है मॉमी। मैं करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मॉम आप तो जीनियस हो, ये इसने कैसे किया? अब मिनी बार्बी की स्माइल चमक रही है। अपने सनग्लासेस पहन लो वरना अंधे हो सकते हो। बाय बाय। तुम मेरी बात मानोगी ना? एक ब्लैक ब्रश, अच्छी कोशिश थी, लेकिन नहीं ये बच्ची भी ना। थिंक, काम पे लग जाओ। ओह, मिनी वेंसडे को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने खुशी खुशी ब्रश कर लिया। एक और लाइक। क्या तुम बॉल के साथ खेलना चाहोगी? नहीं, मन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। कितना अजीब इत्तेफाक है, बॉल सीधा आके वेंसडे के बॉयफ्रेंड के मुंह पे लगी। चलो इसे सेटल करें। लगता है किसी को स्पोर्ट्स की जरूरत है, ये चिप्स काम के नहीं है। हे ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया। चलो भी, मुझे बस प्लेट चाहिए थी, आइसक्रीम की स्टिक। खुशबू तो अच्छी है, वो मेरी आइसक्रीम थी। एक छोटा सा स्नैक ब्रेक लेंगे और अब काम शुरू करते हैं। हम अपने हाथों से टेनिस रैकेट्स बनाएंगे ताकि गर्ल्स के पास कुछ मजेदार करने को हो। बिल्कुल जीनियस। बच्चों इधर आओ, देखो हमारे पास क्या है। एक रैकेट तुम्हारे लिए और एक रैकेट तुम्हारे लिए, और सबसे जरूरी चीज, क्या बॉल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा सोचा, ये स्पोर्टी आइडिया को सुन के गर्ल्स का मन खुश हो गया। हाई फाई प्लास्टिक मैन। ओप्स। ये बलून कितना हल्का है, अगर ये किसी को लगेगा तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। रैकेट हमें दो, मॉम टीम का भी खेलने का मन है। कितना सुहाना दिन है, कितने कूल टैटूज हैं। केन के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी चुन लो और मैं बना दूंगा। क्या? What? मुझे ये लेटर वाला स्टोन चाहिए। अच्छी चॉइस है लिटिल डॉल, टैटू नहीं। रुक जाओ, ये तुम क्या सोच रही हो? मुझे ऐसी ड्राइंग चाहिए, तो तुम्हें इस टैटू की जरूरत नहीं है। बहुत सालों पहले स्टिकर्स का जन्म हो गया था। इसे बस अपनी स्किन पे रखो, गीले कपड़े से पोंछो और वोइला, टेम्पररी टैटू तैयार है। मुझे पसंद आया। क्या मैं और लगा सकती हूँ? और ज्यादा, तुम सारे लगा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये टैटू तो सच में काफी कूल है। आपका लाइफ हैक काम कर गया डैड, अच्छी बात है। ओह, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल बेकार। चुप रहो और जलती रहो, इसमें जलने की कोई बात नहीं है। मुझे भी आप जैसा हाथ चाहिए। क्या तुम दर्द सहने के लिए तैयार हो? शायद नहीं। और क्या कर सकते हैं? रुको, मेरे पास एक आइडिया है, ट्रांसफर टैटूज। तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। मुझे पसंद आया। अगर एक बच्चा टैटू की जिद करे तो क्या करना चाहिए? वेंसडे की डैड की तरफ से एक और लाइफ हैक, जरूर स्टैम्प टैटूज का इस्तेमाल करो। जल्दी हो गया, अच्छा लगा, बहुत कूल। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कमेंट्स में लिखिए कि किसका टैटू आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। चलो साथ में ड्रॉ करें, अपनी कला दिखाओ, फिस्ट बम्प करो। चलो अपना ड्रीम हाउस बनाएं। मुझे पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ। मुझे एक ब्लैक कैसल में रहना है। मुझे पिंक ज्यादा पसंद है, मैं बोर हो रही हूँ। चलो पड़ोसियों से मजे लें। लगता है ये क्यूट स्पाइडर काम आएगा। रेडी जाओ, मेरे पैर पे कुछ चल रहा है। इतना डरावना स्पाइडर। मॉम, कूल प्रैंक है ना? अब तुम्हारे पास दो दो ड्राइंग्स हैं। तुम कितनी बुरी हो। ओप्स, ये मदद के लिए बुला रही है, मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? उसने मेरी शीट फाड़ दी, इसने सब खराब कर दिया। अभी तक तो सब ठीक था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ लिटिल डॉल, ये कैसे किसी और की चीज खराब करते हैं। रुक जाओ, हिलना मत। केन और मैं इसका कुछ करते हैं। चलो दोनों टुकड़ों को जोड़ दे, ये ड्राइंग अजीब दिख रही है। चलो ऐसा करते हैं, तुम बार्बी मूवी देखने जाओ। वाह, क्या आपके पास कुछ देने के लिए है? ये रहा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ओपनहाइमर की दो फ्रंट रो टिकट, क्या ख्याल है? इतना बुरा नहीं है, दोनों खूब मजे करके आना। चलो शुरू करें, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी, हेलमेट सही रहेंगे। खींचो। जब गर्ल्स अपनी पसंदीदा मूवी देखने गई,
तब उनके डैड ने काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे बॉक्सेस बनाए हैं, समझते हो ना? ये मत बोलना कि तुम कॉफिन की बात कर रहे हो। सही बोला, प्लास्टिक। इतनी खतरनाक स्टोरी, लेकिन ये घर काफी अच्छा दिख रहा है। चलो कैनोपी को जोड़ें। बहुत अच्छे। अब रुको, अब हमें एक कैसल को पेंट करना होगा। चलो इसे आधा कर दे और सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक करे। एक हिस्सा पिंक और एक हिस्सा ब्लैक। हमारी मेहनत पसंद आएगी। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, मानना पड़ेगा। मैं खुद इस डॉल हाउस के साथ खेलना चाहूँगा। ओह कितना सुंदर है। बस थोड़ा और, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिकासो हूँ। हमें तो ये लोगों को सिखाना चाहिए। आखिर में छत लो हो गया। चलो अब इंटीरियर पर ध्यान दे। ऐसा कौन सा डॉल हाउस होगा जिसमें फर्नीचर ही ना हो? कितने बढ़िया सोफे हैं, पिंक और ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ। और बुरे सपनों से बचने के लिए एक ड्रीम कैचर भी लगाते हैं। इतना क्यूट और फ्लफी। ये प्लास्टिक पॉम पॉम काफी सुंदर दिखेगा। कितना खूबसूरत है। बहुत खूब। मिनी वेंस्टिक स्टाइल में बैट। ओह वो कितनी खुश हो जाएगी। सबसे जरूरी चीज, बार्बी की कार। प्यारी बार्बी पैदल नहीं चलती, कितनी अच्छी है। एक आउटडोर जकूजी, पूरे दिन की थकावट मिटाने के लिए हमारी शरारती डॉल्स को थोड़ा आराम करना चाहिए। हेलो वेंस्टे। हेलो बार्बी। ओप्स। चलो डॉल्स को डॉल हाउस में रख दे, उन्हें अपने ओनर्स का इंतजार करने देते हैं। हाई फाइ पार्टनर। हमने अच्छा काम किया। ओह ये वापस भी आ गए काफी जल्दी। बार्बी के लिए कितना सुंदर डॉल हाउस है, देखो इन्हें पसंद आया। हमारी मेहनत रंग लाई। हमें अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सही कहा। चलो डॉल हाउस कैसल के साथ खेलें। चलो अपना बैग लो और पढ़ने के लिए स्कूल जाओ। लगता है हम लेट नहीं हुए। अच्छा हुआ हम अपनी डॉल साथ ले आए। कितना शोर मचा रहा है। ओह बच्चे मिनी बार्बी डॉल को देख के खुश हो गए। कितनी क्यूट है ना? हाँ ब्लॉन्ड बालों वाली डॉल ने सारे स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया। मिनी वेंस्टे दुखी हो गई। उसे लगा था कि उसकी गॉथिक डॉल भी काफी अच्छी है। अपनी बार्बी को कचरे में फेंक दो। क्या भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गर्ल्स ने फिर लड़ने के लिए एक कारण ढूंढ लिया। लगता है किसी भी जनरेशन में बार्बी और वेंस्टे दोस्त नहीं बन सकते। शांत हो जाओ, ये दोनों अब मेरे पास रहेंगी। कमाल कर दिया। मुझे पता है कि हॉलवे में कब जाना है। कोई नहीं देख रहा, मेरी कलेक्शन में रखते हैं। ये बहुत सुंदर है। यहाँ लड़कों को ज्वाइन करो ब्यूटीज। बहुत क्यूट लग रही हो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। को पसंद नहीं जब उनके साथ कोई खेलता है। ऐसा लगता है कि अब उन्होंने इस कॉलेज में अपनी शरारती गेम्स और शरारते करने का सोच लिया है। हाय केन, जिंदा होकर बहुत अच्छा लगता है। डार्लिंग मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेबी। मैं जिंदा हो गई और तुम भी यहाँ हो। बर बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। हेलो मेरी छोटी स्नेक, रुक जाओ। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हग करना चाहती हो? ठीक है गले मिलना तुम्हारे बस की नहीं है। चलो हाथ मिलाएं। हाँ अब तुम गए। बस क्या तुम्हें मेरा प्रैंक पसंद आया हनी? ये क्या था? मैं हमेशा अपना सीक्रेट बटन अपने साथ रखती हूँ। तुम्हारे गंदे डिवाइसेस, हम इसे बाद में फिर से ट्राई करेंगे। साथ रहना अच्छा होगा। अगर वो नहीं हो तो डॉल हाउस में माहौल खराब हो रहा है। ये लो। हाँ तुम भी। मुझे स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है, उनके साथ हर दिन एक नया एडवेंचर जैसा होता है। हाँ बेबी मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। जान स्पोर्ट्स खेलना मजेदार और साथ ही साथ जरूरी भी है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? वो कितना दिखावा करते हैं। हे डैन, क्या? ओह अब और मत कहो, हो जाएगा। हमारी आइडियल वेंसडे को पता है कि मुश्किल समय में सिर्फ तुम खुद पर ही भरोसा कर सकते हो। इस लड़की को गुस्सा ना दिलाना ही बेहतर है। यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? तुम कैसे हो छोटे बच्चों? क्या तुम एक दूसरे से मिले? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था। एक्सरसाइज करने का सोच रहे हो? अजीब है। खैर तुम्हारे ऊपर बहुत मिट्टी आ गई है, चलो जल्दी से सफाई करें। कुछ सेकंड में तुम फिर से चमक जाओगे। प्रिंसिपल चले गए।
अब कुछ एक्टिविटी करने का समय है और कांपना बंद करो डानी। हाँ मैं कोशिश करूँगा, प्लीज ध्यान से। शांत हो जाओ चिकन। आउच, मुझे देखने में डर लग रहा है। तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, मुझे यकीन है तुम मेरा मास्टरपीस देखकर खुश हो जाओगे। वाह ये शानदार है, तुम में नेचुरल टैलेंट है। शुक्रिया मेरे लिटिल स्पाइडर। और तुम क्या कर सकते हो पिंक के फैंस? हर लेडी को मैनिक्योर्स की जरूरत होती है, तुम सही कह रहे हो। हाँ दोनों लूजर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चैलेंज मंजूर है। उठो केन, मैं मुसीबत में हूँ। चलो ये करे। ओह ये एक शरारती तलवार है, मैं समझ गई। अगर तुम कहती हो तो बस मुझ पर विश्वास करो हनी, मुझे अपने आर्टसी आइडियाज को पूरा करने दो। अब वहाँ देखो, ओह कुछ ज्यादा ही हो गया। जरा रुको, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। कूल आउटफिट है। एफ फिर से। बेवकूफो, शाम को किसी को अपने पेरेंट्स से डांट पड़ेगी। क्या ये सिर्फ मैं हूँ या कैबिनेट में कोई हंस रहा है? क्या मैं सच में इतना मजाकिया हूँ? चलो देखें कि डॉल कैसी है। क्या तुमने मिस्टर मायर्स को याद किया? क्या ये मेरा वहम था? टेस्ट मेरी आई साइट खराब कर रहे हैं, ये काफी शांति वाले लगते हैं। मैं अपने एक्सप्लोसिव मिक्सर के लिए एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी। वेंसडे मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो? नहीं यहाँ से जाओ। ठीक है गुस्सा मत हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए गुड लक। ओह अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सा ब्लश और आखिरकार सुंदर लिप्स, बार्ब्स। क्या हम दोनों लड़ाई करें? ये तुमने क्या किया? यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेकअप बॉयफ्रेंड से ज्यादा जरूरी है। डैन तुम भी बिजी हो तो क्या हम खेले? लगा नहीं था तुम पूछोगे दोस्त, लेकिन डरो मत, प्रो से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये जीत गया, पीछे हटो ये मेरा है। वाह मुझे गेम्स के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये अच्छा है कि हम नेबर्स हैं ब्रो। आओ अपने आप को संभालो, तुम दुश्मन के साथ नहीं खेल सकते। क्या तुम कल फ्री हो? दर्द हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे निराश करोगे। उससे बात करना बंद करो नहीं तो तुम काम से गए लड़के, और मैं तुम्हें और जाना चाहता था। मेरा हाथ पकड़ो दोस्त, रुको। नहीं तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे केन। ओह उसे जाने दो, तुम बहुत भारी हो, तुम्हें डाइट करनी चाहिए। डैन गुड बाय, आखिरकार हम अकेले हैं मेरी जान। ये स्मूची के लिए बिल्कुल सही समय है ना? मेरा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी रोमांटिक डेट कौन खराब कर रहा है? आवाज जरूर वहीं से आई है, लड़ाई की तरह लग रहा है। पिछली बार वो बैठे थे, चलो देखते हैं। ओह बहुत जोर से पकड़ा है, अपनी जगह पर बैठ जाओ दोस्तों, ये अलग मैटर है डॉल्स। ओह वो चले गए, और गेम्स के बारे में सोचना भी मत। अगर मैंने कभी भी कंट्रोलर को क्लिक करते हुए सुना तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। अब ये एक ट्विस्ट है, आ जाओ दोस्त। सुबह इतनी जल्दी, मैंने नई ट्रिक सीखी है, मेरे जैसा करो ऐसे। बार्बी शाइन वेंसडे साइज, इस डांस से मुझे नींद आ रही है, उन्हें देखो। हाँ और आखिरी लिप, टडा, देखने के लिए शुक्रिया। ये डांस हमारे दिल से था, अब डांस फ्लोर पर रॉक करने की तुम्हारी बारी है। डैन अच्छे से करना, हमें उनसे अच्छा करना है। याहू डीजे थिंग कमाल का है, कल तुम सबको सोशल मीडिया पर मेरा डार्क डिस्को दिखेगा। ओह एक लॉलीपॉप, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर लूंगा। तुम जेलस हो रहे हो बार्ब्स, उसे जरूर दर्द हुई होगी। मेरा मतलब है हाँ, मेरा सर फट रहा है और मुझे पता है किसकी गलती है। स्वादिष्ट है। ओह तुम अब गए, बेवकूफ। क्या हम बिजली से खेले डैनी? मैं अब कैंडी नहीं खाऊंगा, मैं सच कहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मदद करो। लेकिन तुम्हारे पास जिंदा रहने का मौका है, रुको। छोटे बच्चों तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चीखने की आवाज सुनी,
और मुझे ये कुर्सी याद नहीं है। चलो इससे छुटकारा पाएं, ठीक है? अपने दोस्तों के पास वापस जाओ और अच्छे से रहो दोस्त, ये बेहतर है।